हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू बॉम्बकॉम इंडिया। कबीर से जब पूछो कि आपको स्कूल टिफिन में क्या चाहिए, तो उसकी फर्स्ट चॉइस बाय डिफॉल्ट होती है मम्मा सैंडविच। अब ब्रेड बटर, ब्रेड जैम देना आपको अच्छा नहीं लगता, बिकॉज ऐसे लगता है कि कुछ हेल्दी होना चाहिए। रोज़ रोज़ सेम सैंडविच देना वो भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ऐसे लगता है मे बी वो बोर हो जाएगा। तो आई एज अ मदर ऑलवेज वॉन्ट टू नो कि सैंडविचेस में क्या डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। सो इस बार मैंने अपनी फ्रेंड एलिसन से रिक्वेस्ट किया कि क्यों ना सैंडविच की कोई वेरिएशंस अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की जाए, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू टुडे। टू वेजिटेरियन सैंडविच रेसिपीज जो बनाना बहुत आसान है, आपके किचन में इसके सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। सो मेक श्योर यू मेक देम फॉर योर किड्स एंड ऑल्सो लेट अस नो हाउ डिड दे लाइक इट। अब मैं पास ऑन करूंगी टू होम शेफ एलिसन, जो खुद एक सुपर मॉम है, मास्टर शेफ हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। ये बहुत सारी डिलिशियस बच्चों की और बड़ों की रेसिपीज डालती रहती हैं, जो आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। ओवर टू यू एलिसन। थैंक यू मानसी। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही डिलिशियस सैंडविच रेसिपी शेयर करूंगी। एक है वेजिटेबल मलाई सैंडविच, और जो दूसरा सैंडविच हम बनाएंगे वो है पनीर चीज़ सैंडविच। दोनों बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पनीर चीज़ सैंडविच। तो सैंडविच स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बोल, और उसमें एक बॉइल्ड आलू डाल देंगे जो मीडियम साइज़ का है, और उसको अच्छी तरीके से स्मैश कर लेंगे। अब हम इसके साथ ऐड करेंगे बाकी इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले आप ऐड करिए आधा कप ग्रेटेड पनीर, फिर दो बड़ी चम्मच ग्रेटेड गाजर, दो बड़ी चम्मच बॉइल्ड मटर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, थोड़ा सा नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, और फिर हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो आप इसको लाइटली स्मैश करके मिला लीजिए, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ अच्छे से मिल जाए। तो आपका स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम आपका सैंडविच तैयार करते हैं। तो मैंने लिया है दो स्लाइस वाइट ब्रेड, और मैं उसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच टमाटो केचप। इसको अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक स्लाइस चीज़। अब जो स्टफिंग बनाई है हमने, हम उसमें से एक हिस्सा लेके अच्छी तरीके से ब्रेड पे डाल देंगे। इस स्टफिंग से आपके आराम से तीन सैंडविचेस आ जाएंगे। तो मैं इसको अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ, और ये आपका सैंडविच ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा तवे पे टोस्ट कर लेंगे। अब आप एक तवा गरम कर लीजिए, और उसमें अपना सैंडविच डाल दीजिए। अब इसमें मैं बटर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ब्रेड भी बहुत अच्छे तरीके से टोस्ट होता है। पर अगर आप चाहो तो ये स्टेप्स स्किप भी कर सकते हो, और लाइटली दोनों तरफ आप ब्रेड को टोस्ट कर सकते हो। अब मैं इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ भी थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ। अब आप दोनों तरफ सैंडविच को अच्छे से ब्राउन करके टोस्ट कर लीजिए, और ये ध्यान रखना कि आप जो हीट है गैस का वो आप मीडियम या लो पे ही रखना, ताकि ब्रेड अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तो ये रहा सैंडविच, बिल्कुल तैयार हो गया है। ये एक बहुत ही डिलिशियस सैंडविच रेसिपी है, सिर्फ बच्चों को नहीं बट बड़ों को भी अच्छी लगेगी। आप ये सिर्फ टिफ़िन में नहीं बट ब्रेकफास्ट में या फिर इवनिंग स्नैक में भी सर्व कर सकते हो। अब मैं इसको एक टिफ़िन में डाल देती हूँ। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, एंड आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसके साथ एक सर्विंग सैलड डाल रही हूँ। तो ये रहा आपका टिफ़िन बॉक्स तैयार हो गया है। अब हम बनाते हैं वेजिटेबल मलाई सैंडविच। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मलाई स्टफिंग के लिए मैंने एक बोल में डाला है दो बड़ी चम्मच ग्रेटेड गाजर, दो बड़ी चम्मच ग्रेटेड गोभी, दो बड़ी चम्मच चॉप्ड शिमला मिर्च, एक बड़ी चम्मच चॉप्ड प्याज, और दो बड़ी चम्मच बॉइल्ड कॉर्न, और आधी कप मलाई। अब आप इसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल दीजिए, फिर थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और फिर मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स डाले हैं। वो बिल्कुल ऑप्शनल है, बच्चों को यूजली बहुत पसंद है तो इसलिए मैंने डाला है, पर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। तो ये तैयार हो गया आपका स्टफिंग। अब मैं दो स्लाइस ब्रेड ले रही हूँ, और जो हमने वेजिटेबल मलाई की स्टफिंग बनाई है उसकी एक बड़ी चम्मच लेके मैं ब्रेड पर डाल के अच्छी तरीके से स्प्रेड कर रही हूँ। अब हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, आपका वेजिटेबल मलाई सैंडविच बिल्कुल तैयार हो गया है।
तो एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है, जैसे आपने देखा कि बिल्कुल टाइम नहीं लगता बनाने में और टेस्ट में भी बहुत डिलिशियस है क्योंकि मैंने मलाई डाली है, तो एक बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है सैंडविच में और सॉफ्ट भी रहता है। ये एक हेल्दी सैंडविच रेसिपी है, जैसे आपने देखा कि मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स डाला है, साथ में फ्रेश मलाई डाली हुई है, तो टेस्ट तो बहुत ही अच्छा है, पर साथ में आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे कि आप अपने बच्चों को वेजिटेबल्स खिला सको। सो आप ये सैंडविच का रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम वेरी श्योर कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएंगी। और ये देखिए, मैं अब इसको एक टिफ़िन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब मैं इसके साथ मैंगो सर्व कर रही हूँ क्योंकि मैंगो सीज़न चल रहा है और यूजुअली बच्चों को मैंगोस बहुत पसंद है, पर आप अपने बच्चे के मनपसंद के हिसाब से कोई भी फ्रूट डाल सकते हो। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताना कि आपको कैसी लगी। सो गाइज, लगी ना आपको ये रेसिपी बहुत क्विक, बहुत सिंपल और बहुत ही डिलिशियस? मैं तो ये डेफिनेटली कबीर के साथ ट्राई करने वाली हूँ, आप लोग भी ज़रूर करना। हमने खुद ये बचपन में बहुत खाया है, इसी में आप अलग अलग तरह के वेरिएशंस कर सकते हो, तो डू ट्राई इट आउट एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको और आपके बच्चों को ये कैसा लगा। आपसे और बहुत सारी रेसिपीज के साथ भी मिलते रहेंगे फ्यूचर में, बट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू टू चैनल्स, पहला मॉमकॉम इंडिया और दूसरा होम शेफ एलिसन, ताकि आपको इन सारी रेसिपीज का एक्सेस मिल सके। Thank you for watching. Bye-bye.